शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। फार्म हाउस पे क्यों लेकर आए हो? Do you love me? ये क्या सवाल है? बताओ ना सुहासिनी, Do you love me? खैर छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, चले? Oh really? मैंने तुमसे प्यार किया था सुहासिनी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। लेकिन प्रीत को यिन लो सक हाँ, तर्त दिल तर्त जिगर, दिल दिया तर्त लिया, दिल में मेरी तर्त जिसको,
ये सब सांस की मेरे पे कोई इफेक्ट नहीं होती है। क्यों क्यों? क्योंकि आई एम द पेन किलर चकी। मेरे सामने तुम सब भाई छोटा छोटी मक्की। क्यों? क्योंकि आई नो कराटे, यू आल्सो लर्न कराटे। क्यों? दिल्ली शहर में मर्द अभी भी अबला है, उसका कभी भी बच सकती थबला है। जिमी, जिमी, वेयर यू गोइंग? जिमी, जिमी, ओह गॉड, जिमी, suspect coming towards Masjid Lane. Suspect coming towards Masjid Lane. Anwar calling Sabji. Waiting for your order, sir. On course. Anwar calling Sabji. Anwar calling Sabji. Anwar calling Sabji. अरे Sabji अब तो आ जाइए, नहीं तो हमारा suspect हाथ से निकल जाएगा Sabji. Duty वाला crossing Sabji. अब तो आ जाओ Sabji. Waiting for your order, sir. Duty वाला lane crossing sir. माल अच्छा तो है। माल तो चौकस लग रहा है। साहब जी, हम सस्पेक्ट के पास पहुंच चुके हैं। Higher ground, come to me now, walk my way, we don't fight now, we walk the sun.
अफीम, गांजा, चरस, ब्राउन सुगर, हेरोइन, बैंड के टके, जनरल स्टोर खोल रखा है के? साहब को बोल 30,000 देता हूं। ओ साहब जी, ये तोता पिंजरे से बाहर निकलने का 30,000 ऑफर कर रहा है। ओए, नाम क्या तेरा? योगे साहब। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर? नहीं साहब, पी ओके, प्रदुनाम ओम कुमार। रिश्वत देता है? वो भी 30,000? तो ऐसा बोलो ना साहब, 30 तो मेरा ऑफर था, आप अपना बताओ। अरे साहब, माल लेके कहाँ जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो साहब? तेरे 2 नंबर के माल को 1 नंबर लगी थी। क्या साहब, मेरे सारे सपनों में पानी फेर दिया आपने। एक काम कर, जहर का धंधा छोड़ दे, नेता बन जा, माल भी कमाएगा और मुझसे भी सलूट मिलेगी। लेकिन साहब, मुझे चूचा चूचा पसंद नहीं। क्या पसंद नहीं? चूचा चूचा। आज मैंने ये सभा इसलिए बुलाई है क्योंकि मुझे आप लोगों से गंभीर विषय पर विचार विमर्श करना है, और वो मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग। इंसान ने तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में करना क्या, सोचना ही छोड़ दिया है। इसीलिए हम जानवरों को ही कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। सही कहा महाराज। आजकल नहाने के लिए पानी में डुबकी लगानी नहीं पड़ती, पसीने से नहाती रहती हूँ, बदबू आती है। ओए, तेरे समस्या का समाधान है मेरे पास। डिओड्रेंट लगा। डिओड्रेंट से कुछ नहीं होगा, जगह जगह पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे ताकि विश्व को ठंडक मिले। पर मोटा भाई, अहिया पण झाड़ छे ने त्या पण झाड़ छे, तो झाड़ लगाएंगे किधर? कैम्बेन शहर में, हम सब शहर जाएंगे। चलो। अच्छा ठीक था सर। थैंक्स। बाय द वे, वो लिटिल स्टुअर्ट इन चाइना का कॉन्ट्रैक्ट भी हमें मिल गया है। ओके, सो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, डबिंग नेक्स्ट वीक होगी। Okay. बोलना मत। मैं क्यों भूलूंगी यार। मैडम, आप अपना मोबाइल भूल गई थी। हिच हिच नी करोटे, एक ऐसी मार्शल आर्ट से जिसकी वजह से तुम्हारा जीवन में 3 चीज शामिल हो जाएगी। हे गैंग, क्या हो रहा है? हे, नथिंग मच यार, जैकी चैन की मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देख रहे हैं। स्टप्स का क्या है? क्या है स्टप्स का? नच बलिए का पार्टिसिपेंट लोग भी स्टप्स सीख गई थी, लेकिन दर्द दर्द को काबू करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल, हुआ हुआ हुआ, हुई मेरे को दर्द? नहीं हुए। ये देखो, हुआ हुआ, हुई मेरे को दर्द, हुई मेरे को दर्द, हुई मेरे को दर्द, हुई मेरे को दर्द। गाइस, कम चाकी, आर यू ओके? तुम पिक्चर देखने आ रहे हो ना हमारे साथ? आना तो पड़ेगा, पिक्चर के पैसे यही तो दे रहे हैं। तुमने चाइनीज कहाँ से सीख ली? मैं ऐसे ही चाइनीज चूहे की आवाज ढूंढ रही थी। फर्स्ट टूर लिटिल इन चाइना, बोलो। थैंक यू चाकी, यू आर टू गुड। परसों मिलते हैं पिक्चर के लिए। बाय। सो फनी।
फिलहाल तो पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली की जनता को यह आश्वासन दिया है कि सुहासिनी प्रधान का हत्यारा जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, लेकिन अहम सवाल है कब। कहीं ऐसा ना हो कि हत्यारा इस दौरान अपना दूसरा शिकार कर ले। ये बात तो साफ है कि सुहासिनी प्रधान का कातिल अभी भी दिल्ली शहर में खुलेआम घूम रहा है। शहर नहीं, शमशेर, शमशेर सिंह बहादुर सिंह चन्ना। आप कौन? मैं शहर की माँ। माशा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप ही का बात चल रहा है, आप अब भी पढ़ता है? पढ़ता नहीं, पढ़ाती हूँ, टीचर हूँ। शहर को फोन दो। हो मैम साहब, माँ साहब। हाँ माँ, बोलो। कौन था ये? शहरी थी माँ साहब। तो फिर शुरू हो गई। अच्छा बताओ, तुम छुट्टियों में आ रही हो ना? हाँ हाँ, बस एग्जाम्स खत्म होते ही आ जाऊंगी। और तेरी शादी के बारे में भी तो सोचना है। ओ गॉड, स्टूपिड मॉम। मॉम तुम्हें टीवी सीरियल में काम करना चाहिए, फिर कहती रहना शादी कर लो बेटा, शादी कर लो बेटा। हेलो आंटी जी। कौन? मैं रितु। रितु, आप मेरे लिए लड़का देख सकती हैं? I'm dying to get married. The one you marry will die. What nonsense. लेकिन रितु बेटा, तुम्हारी कंपनी का असर शहर पर नहीं हो रहा। आंटी जी, आप रिश्ते के लिए लड़का ऐसा देखिए जिसका कोई भाई हो, हम दोनों सेट हो जाएंगे। क्यों, मस्त आइडिया है ना? मॉम ये FM आपको फुल टाइम बोर करेगी। बाय मॉम। बाय आंटी। हाउ मीन। ओ ये ले, जो ड्रेस तुझे दी थी ना, उस पे ब्रेसलेट माइंड ब्लोइंग लगेगा। You're looking gorgeous. कहां जा रही हैं आप? शहर। हाँ, we both are going together. कहां? डिस्को शहर। Hi Danny. Hi ma'am. My drink please. देखो बाजी। Your usual ma'am. Hmm. Okay. Right away ma'am. And for your friend? ये दूध पिएगी। तो मैं तेरा usual order करूँ क्या? Breezer? Whatever. Hi baby. One breezer and a blue lagoon. Duffers. What? क्या बोल के गई है? अच्छा सुन, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लिया इस ट्यूसडे का, प्लीज इस बार मत भूलना। नहीं भूलूंगी। गुड। और तवल, मेरा एक सपना, एक ड्रीम, एक ख्वाहिश है यार। क्या? काश कि मैं एरोप्लेन होता। एरोप्लेन मतलब? अबे ये सामने ट्विन टावर की बिल्डिंग और मैं सच से एंट्री मार देता। पाजी बुला रही है। हाय हाय सेक्सी, हैव फन। स्टूपिड, ए मुंडे ने मेरी जिप खोल दी है। मेरी राहों का मंजर।
दो। आज दुकान क्यों बंद है? गाड़ी के पेपर दिखा। पावजी पेपर तो मैंने गिर भी रखे हैं। तो डुप्लीकेट दिखा दे। पावजी डुप्लीकेट तो एक पैसेंजर को दे दिया मैंने। क्यों? वो क्या है कि ओरिजिनल की वो इंस्टॉलमेंट भरनी थी, इसलिए डुप्लीकेट मैंने उसे गिर भी दे दिया। मुझे एक बात बता। हाँ जी। तू कोई फिल्म स्टोरी का राइटर है के? नहीं जी। हैं? चल गाड़ी खाली करा और सबको बाहर निकाल। चल। एक्सक्यूज मी, प्लीज गेट आउट ऑफ द कार। ओ भाई, ओ तेरे पास कार का परमिट है या बस का परमिट है? बाबूजी मैंने तो बस का ही परमिट मांगा था, गाड़ी का मिल गया तो मैं क्या करूं? बेटा तेरी तो अब लग गई, हैं? अब तो फाइन भी लगेगा और रसीद भी फटेगी। बाबूजी हालात ने बहुत कुछ फाड़ दिया, शर्ट पैंट तो फट गई, अब आप क्या फाड़ोगे? चल 5,000 का चलान भर दे या फिर 500 निकाल दे। ओ जी 1,000 का छुट्टा आपके पास? वो सबके सामने देगा के ना? सॉरी, ऐसा कर, ओ भेलपुरी वाला दिख रहा के? हाँ जी। अरे चला जा। हाँ। उससे छुट्टा भी करा लिए। हाँ। और मारे 500 भी उसे दे दिए, ठीक है? चल। हाँ। जा। थैंक यू जी। कहाँ चाहिए बाबू? बाजू साहब जी कह रहे हैं कि मैं आपसे 500 रुपया ले लूं। किस बात के 500? और मुझे क्या पता साहब जी ने भेजा आपके पास, मैं आ गया। साहब जी। हाँ ठीक है 500 ये लो। मेहरबानी जी। काम हो गया बाबूजी? अगली बार गलती की ना है जी तो 1,000 का चूना लगेगा। किसको बाबूजी? अरे मारे को गलती हो गई, मुझे कुछ भी निकल जाता है। थैंक यू जी। कमान वाइट कलर पीपल इन रेड कार। Hi guys, what's up? Sir, you were where? क्यों, क्या हुआ? And what's up? तुम सब लोग इतने well dressed क्यों हो? बोल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ तेरे को। बोल गया सब कुछ, अरे आज अपना फिल्म देखने का प्रोग्राम है और तुम गायब है एकदम। हम आज जाने वाले थे। नहीं, next year। अच्छा हुआ तुम आ गया, नहीं तो तुम्हारा फोटो एकदम पुलिस स्टेशन में देने वाली थी। बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैटर है, ये केस मैं खुद ही हैंडल करूंगा। पैसे मेरे पास नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड के पास है। गर्लफ्रेंड किधर है? 10-15 मिनट को आती होगी। तेरी तो 10-15 मिनट में 200-300 पैसेंजर को मार सकता हूँ मैं। एक्स्ट्रा टाइम का एक्स्ट्रा पैसा भी दूंगा ना, बस लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी का फोन आ गया। उठा। हेलो लक्ष्मी, तेरे पापा तुझे आने से क्यों रोक रहे? हेलो भाई साहब, वो नहीं आ रही है। इतना वो लक्ष्मी ये क्या करी यार? वो तुझे तेरे प्यार का वास्ता, मेरे भाड़े का वास्ता यार। अरे पापा से बात करना, ये बात क्यों नहीं करी? गूंगी है क्या? बैटरी डाउन है। और मेरा मीटर डाउन, उसका क्या? मेरे पास 2 है, मेरे कुछ काम की नहीं, आप ले लो। तुम्हें कान का नीचे पड़े हो। 2 टिकटें फिल्म की बेच दीजिए, किराए से ज्यादा मिलेगा आपको, फिल्म सुपर हिट है, बिक जाएगी।
फिल्म हिट है ना? धोखा 400 और फिल्म हिट है धोखा 400। ऊपर वाले क्या क्या कराएगा मेरे साथ? टिकट बेच रहा है, भीख मांग रहा है। और टिकट चाहिए तेरे को? चल ऐसा खींच के दिया, भाजी बेच रहा हूँ क्या? कैसे दिया? राइट क्या है? चमेली समझा मेरे को, रेट पूछ रहा है। बाबो बाबो, वो क्या कुत्ते की तरह बाबो कर रहा है? वो गॉड फ्राइज फास्ट फूड जॉइंट दिखता हूँ क्या? फ्राइज चाहिए, थप्पड़ मारूंगा। सिंपल ट्रांजैक्शन है, फाकेट में फर्स फर्स में पैसा कितना? टिकट चाहिए तेरे को यार, 2,400 रुपए। मेरे को 10 चाहिए। तू तो एक सीट के हैंडल पे फिट हो जाएगा, 10 क्या करेगा? मेरे साथ 9.5 लोग और हैं, मेरे को मिला के 10 बस। 10 का 408 रुपए। बट 2 टिकट का 400, बाकी 8 का 1 रुपया फॉर टिकट। बस का टिकट है क्या सिनेमा का? 400 की ये टिकट, बाकी 8 की जेरॉक्स करके दूंगा तेरे को। यही मेरे से मजाक करती है रावण, तेरे को मालूम नहीं तो किससे बोलती है? हाँ यार चक्की। चक्की तो जाके आटा पीस। मैं चक्की, तू है लकी, मैं तेरे को मारी नहीं। आई एम चक्की द पेन किलर। वो तो दिख रहा है 100 mg का टैबलेट। मेरे अंदर का जानवर अभी बाहर निकलेगी। अब तू तो बाहर से भी जानवर दिख रहा है। डाट सुमाकी थे माकी हिरी माकी। Hey, sir, girls and boys, come on, everybody. Gang hai teri? Hey, everybody, and jump on the ditch, come on. Excuse me, what's your problem? 420. What? वो एक सेकंड दिखाई देती, एक सेकंड गायब हो जाती है। 420 तो निकाल मेरे, वो चल निकाल। तुम हो कौन? मैं हूँ कौन? मिस्टर इंडिया हूँ मैं, दिखाई नहीं दे रहा हूँ? लाल चश्मे पहन ले, एक तो चोरी उसके ऊपर नई स्टोरी। चल 420 में निकाल मेरे। हो गया, ये क्या चल रहा है? What is walking? थ्री नेशनल का ये क्या करी अरेंज करते हैं कि समझे? मैं मेरे साइज पराठे थप्पड़ मारूंगा ना, मटकी की तरह बिखर जाएगा तू। एक थप्पड़ खड़खड़ खड़खड़ आवाज आएगी ऊपर से नीचे तक, समझा? ये खुद तक मैंने औकत में रही एकदम। भैया हम बोले खून। कौन बाहर है लेकिन बुलेट अंदर है। बुलेट बुलेट उसको गोली लगी है। करेक्ट, उसे गोली लग गई। कैसी लग रही हूँ मैं? Oh my God, Mrs. Goyal, look at you. लगता है ये ड्रेस सिर्फ आप ही के लिए बनी है। Hi. I think you're looking out of this world. This is real you, Mrs. Goyal. रितु, इतना बड़ा चढ़ाकर बोलने की क्या जरूरत है? अरे मैंने सही तो बोला यार, she is looking out of this world. एलियन लग रही है नहीं? Very mean. अच्छा सुन, हाँ वो कल रात डिस्को से एक मिनट ये क्या हुआ? क्या ये तेरे गले पे निशान कैसा? ये कब कैसे देखा? फिर भूल गई ना? और तो डॉक्टर के पास जाने के लिए बिल्कुल डबल माइंडेड हो रही थी। चल ये सब किसने किया भाई? हमारे पीछे क्या आंखें लगी है? ये सब किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया, किसने किया, क्यों किया, मैं नहीं जानता। साले ने कहा किया ये मैं नहीं भूल सकता। बल्लू कुमार, वो भाई बल्लू। हाँ मैंने सुना तेरे से हादसा हो गया यार। क्या हादसा हो गया यार? मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया यार, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा मैं। अरे कुछ ना हुआ, जरा घोड़ी माड़ी सी पीछे छू के निकल गई। छू के निकल गई, गोली का चांस मार रही थी जो छू के निकल गई, चीर के निकल गई, फाड़ के निकल गई, सारा फाउंडेशन हिला दिया है मेरा। अरे यार अभी तू पॉजिटिव साइड देख बल्लू, गोली अगर अटक जाती तो ब्लॉकेज हो सकता था यार। डरा रहा है मेरे को। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। आप कौन सी कोर्ट से हैं?
मैं पाम कोर्ट से। मेरा कहने का मतलब है आप कौन सी कोर्ट में हैं? मैं ब्लैक कोर्ट में हूँ। अरे आप वकील हैं क्या? नहीं तो मैं तो एक्टर हूँ, मैं तो ऑडिशन देने जा रहा था, वकील की ड्रेस पहन के आया हूँ, ये मेरा कस्टमर है। वो कस्टमर क्लियर करना है, गलत समझेगा। मतलब ये इसका मैं ऐसा कस्टमर हूँ, उसी गाड़ी में बैठता हूँ हमेशा, आते जाते रहते हम लोग। अरे तू वकील नहीं है तो पैसे क्यों नहीं बोला भाई? आपने पूछा नहीं? वकील के कपड़े पहन के आ जाते हो, बोलना चाहिए ना वकील नहीं हूँ मैं। नहीं आप पुलिस के कपड़े पहन के आप बोल लो कि मैं पुलिस वाला हूँ। अरे मैं तो पुलिस वाला हूँ। तो मेकअप कर रहा हूँ नहीं हो। अरे चल मार बैठ, चल शट अप, निकल मार के। तो पुलिस वाला हो के चौकीदार की तरह बात करता है यार। भूत पागल खाने तो नहीं लेकर आए ना? कौन खेल सकता है यार, जल्दी चल। भूत? अबे भूत, अब बल्लू, अबे 420 वाली भूत वो इधर है। अरे ये तो वहां पे भी थी जहां पे मुझे गोली लगी है। आओ आ। कहां है बे भूत? अरे कौन सी लड़की है भाई, मुझे तो कोई सी भी दिखाई ना दे रही है। ये रे हम बहुत ढूंढ रहे हैं, ये लड़की ढूंढ रहा है, पुलिस वाला है ना। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर वालिया ले रहा हूँ, हाँ ले रहा हूँ यार, तुम्हारा प्रिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ, 2 चम्मच सुबह 2 चम्मच शाम को, लेकिन ये खांसी ठीक ठीक हो जाएगी ना। सॉरी हारी, तू कैसी हो? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, ये शहर है, मैंने आपको फोन पे बताया था। सॉरी सॉरी, क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मुझे चीज़ें याद नहीं रहती हैं, मैं भूल जाती हूँ, जैसे घर से स्टूडियो का रास्ता, फिर स्टूडियो में सेलफोन भूल जाती हूँ, फिर नंबर डायल करती हूँ और क्या बात करना है भूल जाती हूँ, दूध गैस पे रख के गैस बंद करना भूल जाती हूँ, हैं वाउचर साइन करके पैसे लेना है हाँ। और घर लॉक करके चाबी घर में ही भूल जाती हो हैं। हाँ, ये आपको कैसे पता चला? क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है। आपका क्या प्रॉब्लम है? मैं रितु हूँ, मैं शहर को यहाँ लेकर आई हूँ। ओह यस यस यस, देखो वापस भूल गया मैं। I don't believe it. मुझे नहीं पता था शहर, I'm so sorry कि वो इतना बड़ा है। Yeah, you're right. मैं लाइफ में कुछ भी भूल सकती हूँ, लेकिन तेरा ये नमूना नहीं भूल सकती। I don't know why. Anyway, सुन, तू निकल, मुझे रोमांटिक यहाँ जाना है। हम लोग साथ में लंच करने वाले थे ना? आज नहीं प्लीज। ओके ओके, बाय, टेल यू, बाय, सी यू। ओए दिखा नहीं देता, गाड़ी ठोक दे मेरी, चल डैमेज भर, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा, बाप का रास्ता समझ रखा है? गाड़ी ठोक दी। अरे ओ साहब जी, जिसने गड्डी ठोकी है मिनिस्टर खुराना का छोरा है। डैमेज भर, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। पुलिस को बुलाएगा? हाँ पुलिस को बुलाऊंगा। बुला। अरे समझ क्या रखा बुला? है अबे बुला ना, अबे तेरी तो पुलिस को बुलाएगा। हाय, मैं राजवीर रंधावा, बेटा आइसक्रीम खिलाई मेरी तरफ से। ओए ओए ओए, हो गई आइसक्रीम खत्म। अरे हट, सुनो इधर। वो आजकल के हिंदुस्तानी कोक पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, भूल गए नींबू पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। FTV, MTV, चैनल वी, भूल गए आकाशवाणी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। रिजर्व बैंक खाली, स्विस बैंक में सारा माल पानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हेलो, देखो आप लोग जानते नहीं है मैं किसका बेटा हूँ, मेरा बाप कौन है? क्यों, तुझे भी नहीं पता तू किसका बेटा है? नहीं, मुझे पता है कि मैं किसका बेटा हूँ, लेकिन आप लोगों को नहीं पता कि मेरा बाप कौन है। अनवर,
अब ये बोलेगा ये किसी एमपी का बेटा है, राज खुराना का बेटा है। हाँ, मैं एमपी राज खुराना का बेटा हूँ। ओए बावला हो रखा है के? मैं एमपी का बेटा हूँ? नहीं। हाँ, नहीं। हाँ, हाँ, अरे हाँ ना। हेलो। हेलो सर, मैं एसपी राजवीर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ राजवीर बोलो। सर आपके बेटे ने गाड़ी ठोक दी और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। उसने मुझे बताया नहीं कि वो आपका बेटा है। टाइमिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है सर। कुछ हो गया है वरना मैं कुछ करूँ वो नहीं नहीं सर, मैंने सब संभाल लिया। ओके सर, ओके। कब सुधरेगा ये? की यार पहले बताना चाहिए था ना, ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं नहीं। फर्स्ट एड चाहिए? नहीं भाई नहीं। चल जा, तू जा जा। ओए हो गया आठ मेला खत्म। ओए ठीक बजाया साहब जी, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो घी के डब्बे को उल्टा करके ताप देना चाहिए। साहब जी बचाओ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, वो मेरा पीछा कर रहा है, वो मुझे मार डालेगा, कुछ करो। साहब जी ये तो पर्सनल केस है। चलो शायद आपका पर्स चुराने आया होगा। तो वो पर्स चुराता, मुझे मारने की कोशिश क्यों करता? आजकल के ठग बहुत एडवांस हो गए मैडम। अभी कुछ ही दिन पहले वो क्या नाम है उसका, सुहासिनी प्रधान, सुहासिनी प्रधान, उसका मर्डर हो गया। क्या आप मुझे डरा रहे हैं? डरा नहीं रहा हूं, दिल्ली के क्राइम का तापमान बता रहा हूं। आप चलिए मेरे साथ। कहां? पुलिस स्टेशन। लेकिन क्यों? अभी ये पुलिस केस हो गया है, आपका स्टेटमेंट लेना पड़ेगा। अनवर, मैडम की स्कूटी का मिरर टूट गया है, आराम से बना के लेके आना। आराम से साहब जी, आराम से। चलिए फिर आ गया। यहाँ कहाँ ले आया मुझे? पुलिस वाला बाद में हूँ, इंसान पहले। मैंने सोचा कि एक इज्जतदार लड़की का पुलिस स्टेशन आना विजुअल कुछ अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे यही स्टेटमेंट दे दो, मैं मैनेज कर लूंगा। वैसे भी यहाँ की लस्सी बहुत अच्छी है। हा? असी तुसी और लस्सी। और बताओ सैर थापर, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? दिल्ली की पुलिस, हमारा नेटवर्क ही कुछ ऐसा है। तुम चंडीगढ़ से हो, सेक्टर 18। तुम्हें कैसे पता? दिल्ली की पुलिस। वो क्या है कि कोने कोने में इतने चूहे नहीं है जितने हमारे इन्फॉर्मर्स हैं। तुम टोरियन हो ना? हाँ। 5 feet 7 inches? हाँ। और तुम वो क्या करती हो, वो कार्टून कैरेक्टर्स का डबिंग? हाँ, डबिंग, डबिंग। I can't believe it, तुम्हें ये सब कैसे पता? सेम आंसर, दिल्ली की पुलिस। वो क्या है कि हम लोग कुछ अलग ही मिट्टी के बने हुए, इश्क करते हैं, इश्क। अपनी अपनी वर्दी से, अपने देश से, ईमानदारी से। ये लो साहब जी, इस हफ्ते का खर्चा पानी, पूरे 3,000 हैं, मालिक ने भेजे हैं। रिश्वत देता है? एक ईमानदार ऑफिसर को वर्दी में और ड्यूटी पे रिश्वत देता है? आपकी ड्यूटी कब खत्म होती है साहब जी? भाग गया से। छी, जिसका जितना नाम हो लोग उतना ही बदनाम करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। फोन बज रहा है। हेलो सहर बेटा। हाँ माँ, मैं तुम्हें फोन करने ही वाली थी। एक्चुअली पता है आज जब मैं पहले मेरी बात सुन सहर, साधना आंटी याद है ना, उनके लड़के को मैंने तेरी फोटो, जन्म पत्री और बायोडाटा भेज दिया है। लड़का दिल्ली का है, ऊपर से पुलिस में है, अच्छी पोस्ट पे है। नाम क्या है उसका? राजवीर रंधावा। बहुत ही नेक, शरीफ और ईमानदार लड़का है। ये लो साहब जी, 1,000 ज्यादा, अब इससे ज्यादा और न दे सकेंगे। है?
एसीपी राजवीर रंधावा, राइट? माँ का नाम साधना रंधावा। अरे तुम्हें कैसे पता चला? दिल्ली की कुड़िया। हमारा भी नेटवर्क कमाल का है। 3 साल हुए तुम्हें दिल्ली में। अरे तुम्हें कैसे पता चला? दिल्ली की कुड़िया, 5'11" लियो हो, और सबसे जरूरी बात क्या? सबसे बड़े रिश्वतखोर ऑफिसर हो तुम। बाय। अरे अरे करप्ट नहीं, करेक्ट पुलिस वाला हूँ। दूध के ऊपर की मलाई भी निकाल के पीता हूँ। अरे लस्सी तो पीती जाओ। I hate cops. चाबी। Get lost. अरे मैंने क्या किया? Get lost. अब बहुत ही अले रो, 5,000 है, खत्म करो नहीं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। ओए रमी सुन, मलाई तो दे यार। अनवर, पहली बार किसी की चूचा चूचा पसंद आई। साहब जी, थोड़ी छोटी सी ना लग रही? ओए 25 साल की है। मैं तो हाइट की बात कर रहा। दिल्ली अच्छा शहर नहीं है। देर रात तक बाहर मत घूमा करो। कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। गुड मॉर्निंग डीवीडी। क्या पिंकी, सुबह सुबह आ जाता है तो क्या करूं मैडम? नर्सों भी आया था, बेल बजा बजा के थक गया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। परसों तो मैं दुकान आई थी, बंद थी तो मैं क्या करूं? लगता है आप दुकान का एड्रेस भूल गए मैडम। शट अप, मैं पैसे लेकर आती हूँ। 400 रुपये ले आना मैडम जी। 400 क्यों? 3 दिन हुए ना। 3 नहीं 4 दिन, 4 दिन के 400। 4 दिन के 400, 3 दिन के 300। 300 रुपये दे रही हूँ, मैं शर्मा जी से बात कर लूंगी। मैडम जी पुलिस। 100 रुपये के लिए तो पुलिस ले आया पिंकी। पिंकी, ये कौन है पिंकी? मैं। इस कबीज का नाम पिंकी है। अरे पप्पू। तुम तो कल। ओह मैडम जी, स्कूटी मैंने बनवाई थी ना। हाँ। मैं रुको के चलो मैडम, आप अकेली हो और इन लोगों का भरोसा नहीं है आजकल, ऐसा टीवी में कह रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए? एसीपी साहब ने थाने में बुलाया है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके लिए इतने सारे लोग बुलाए। कौन है वो? पहचानो जान? ले लूंगा उनकी। पहचानो? इन्हें कहीं देखा है मैंने। ये नहीं, नहीं ये नहीं हो सकते। ये तो अपने सेक्टर के लोकल एमएलए हैं, आप लोगों ने वोट दिया है, 2 महीने से अंदर हैं, ये नहीं हो सकते। ये हमारे कार्य के बिल्कुल प्रतिकूल हो रहा है मैम साहब। मैं जागो इंडिया का वरिष्ठ पत्रकार हूँ, समाचार संस्था में इसका उल्लेखन करूंगा। मुझे भी यहाँ लाकर कतार में खड़ा कर दिया है। तो ये है दिल्ली पुलिस। अगली बार मुझे यहाँ बुलाया या अपने बॉडी बिल्डर फ्रेंड को मेरे घर भेजा तो देखना क्या होगा, बहुत बुरा होगा। ये छोरी भी थोड़ी क्रैक लग रही है, आपने इतनी मेहनत करी साहब जी और ये क्रैक ही लग रही है। तुझे बॉडी बिल्डर बोला? अबे जागो इंडिया का पत्रकार है ना, मैं तेरे को जगाता हूँ। खबर तो अब हम नहीं पाएंगे। ये मामला संसद तक जरूर जाएगा। मेरी बाप भी खाना राज कर दिया। आज कराऊंगा तेरा पत्रकार सम्मेलन। अबे रिक्शा चला रहा, टैक्सी चला रहा, सीधा तो बैठ जा। अबे चला रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है।
तुझे तो पता है ना तशरीफ में क्या हुआ। अबे राजकुमार संतोषी जी आए हुए रामायण बना रहे, मैंने कहा रावण का ऑडिशन दे दूं। ऐसा रावण करूंगा कि मुगैम्बो गब्बर धूमटू का रितिक सब भूल जाएंगे। ऑटोग्राफ फोटोग्राफ और ऐसा ग्राफ पीछे बैंक बैलेंस ऐसा बढ़ेगा कि बैंक बैलेंस नहीं कर पाएगा, मानो या ना मानो। है जी मैडम। कहाँ है तू? ओ मैडम मैं राजपुरा रोड पे हूँ। अरे वाह, तो मेरे यहाँ पे आ जाना, कामनी को जनपद रोड वाले घर पे पहुँचाना है, तेरे सिवा और किसी पे भरोसा नहीं कर सकती। ठीक है जी। कामिनी कुमार, अरे कॉम्बिनेशन अच्छा है भाई। बल्लू बल्लू भाई उसको पीछे बैठने को बोलना, मेरा ये वाला मुंह उसको टच करेगा। फिर कामिनी हाय। आइए। बाय कामिनी। ये कामिनी है, ये कुत्ती। शट अप यू ब्लडी रावण, खबरदार जो उसको कुत्ती बोला। ये तो मेरी छोटी बहन से भी बढ़कर है। बेचारी कितनी डरी और सहमी सहमी से लग रही है। लेकिन इसके मुंह को बांध क्यों रखा है आपने? इसका नेचर थोड़ा अग्रेसिव है, कभी कभी भड़क जाती है। पर बलू तुम मेरी कामिनी का ख्याल रखना। हाँ बेफिकर बेफिकर। बाय कामिनी, सी यू। क्यों पसंद है कामिनी? अरे कामिनी कुत्ती कमजोर कलमुई कामिनी, साली आदमी फुटपाथ पे सोता है और तू गाड़ी के अंदर बैठी। अरे धर्मपाजी को बोल दूं खून भी जाए तरफ इसकी समझिए कुत्ती। क्या हुआ बे? तो तेरे रावण जैसी हंसी क्यों बंद हो गई? वे दशहरा मना ले बल्लू, आज रावण कुत्ते की मौत मरने वाला है। वे गाड़ी रोक दे। क्या कर रहा है यार? कुत्ती को तो नहीं काट लिया? हटा जा कुत्ती मेरे पीछे क्यों पड़ी है? मैं राम जी का शिकार हूँ कुत्ती। जय 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 हनुमान, जय जय कपीश। तो ही लोग उजागर। अब बल्लू आगे जाए। आगे तुम्हें पीछे कुत्ती है। के कुमार और कामिनी क्या जोड़ी है यार, इतने प्यार से तेरे पीछे भाग रही थी, छोड़ दिया। बेटा हर कुत्ते के दिन आते हैं, तेरा भी दिन आएगा बल्लू, मजाक मत बना। एक कुमार वो देखो फ्रॉड, वो इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगा आज। ओ मैडम नॉट अगेन। वो आपने तो लिमिट की भी लिमिट कर दी, कमाल कर रहे हो यार। मेरे 420 में निकालो। क्या क्या ये रावण दिख रहा है? वो सबूत है मेरा, वो बता यार। तुम वही हो ना जो उस दिन हॉस्पिटल में भूत भूत चिल्ला रहे थे? मैं आपकी कसम आपको भूत नहीं बोलूंगा, आप बता दो आप भूत हो गए नहीं। जस्ट शट अप, ना मैं तुम्हें जानती हूं ना तुम्हें, या से निकलो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। बुला पुलिस को। क्या हुआ मैडम? कौन बोली? ये दोनों मेरा पीछा कर रहे हैं। अरे लड़की को चुम्मा चाटी छेड़ता है। अबे इस ड्रेस के अंदर लड़कियों के छेड़ूंगा, मेरी हालत तो देख गुंडे। गाली देता है। अबे गुंडे गाली कहाँ होता है? गाली कहाँ दे रहा है यार, इसकी हिंदी कमजोर, जान रहे समझ नहीं रहा है वो। कमजोर कमजोर यार, हिंदी को कह रहा हूँ, तुझे कहाँ कहते। और नीचे ये पैसे। बल्लू चल बल्लू चल। थैंक यू भैया। चुपचाप हमारे साथ चलो। लॉस ओए, उसने तो चाकू की डायरेक्शन बदल दी। हेलो जी। नमस्कार। तो तेरे बाप की दुकान है जो बंद कर रहा है, क्या कर रहा है? अभी चाबी मेरी धोती से तो निकालेगा पीटर।
मार मार के बुरा हाल करेंगे और धोती फाड़ के रुमाल करेंगे। क्या कर रहा है बे? यहीं से तो भागना था हमको। पकड़ो सालों को। जबान से लाचार आदमी, इतना सब काका काफी नहीं है कि जो डंडा मार रहा है। मेरी मम्मी को फोन कर, बोल आप घर पे नहीं आ पाऊंगा, बोल हॉस्पिटल होता आऊंगा। साले इससे झगड़ा करने की क्या जरूरत थी? मैंने कब झगड़ा? वो लड़की तेरे को लगती है क्या साले? लड़की को देख के तू भी तो आया पीछे पीछे। मैं तो खाली देखने गया था क्या हो रहा था अंदर। अरे बात करने दे। घुसते ही शटर बंद कर दिया तूने? तेरे बाप की दुकान है? पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। एक वो टैक्सी ड्राइवर जो मुझसे पैसे मांगते रहता है, उसका एक साथी जो मुझसे डरता है, कहता है कि मैं भूत हूँ, और उस दिन जब तुम हॉस्पिटल से निकली, मुझ पे बेसमेंट में हमला हुआ, और आज तो हद हो गई, कुछ लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की। व्हाट? ओह माय गॉड, अभी ऐसा सब कुछ आई तो ये सब तुम पुलिस को क्यों नहीं बता दिया? नहीं नहीं, पुलिस का चक्कर छोड़ो, ऐवी मुसीबत पड़ जाएगी। तू टेंशन मत ले, और वैसे भी आंटी आने वाली है ना एग्जाम के बाद। बाय द वे, तूने अपनी ऑडिशन की तैयारी की? एक इंटरेस्टिंग आवाज रिकॉर्ड की है मैंने। अरे तो प्रैक्टिस करना यार, कम ऑन गाइस, पैक अप टाइम। I'm hot. You're hot. It's really hot. तुम अपनी शर्ट उतारो, मैं अपना जैकेट उतारती हूँ, okay? तू गाड़ी चला, मैं पीछे आता हूँ। तू गाड़ी चला ना यार, ड्राइवर। इधर से फोंटी हो यार। Right, I don't want you, yaar. I'm hot. You're hot. I'll be okay. Arre yaar, tera baat kya ho gaya? Main apna jacket utar raha hu. I'm hot. You're hot. I'll be okay. Arre yaar, tera baat kya ho gaya? ये किसकी आवाज है? मास्टर की। ऐसी आवाज क्यों निकल रहे थे? निकल नहीं रहा था, निकल रही थी।
तुम साउथ इंडियन हो? उसके बाद तुम कहाँ गई थी? तुम? उसके बाद मैं घर गई थी और फिर सैटरडे रात जिसको हम साथ गए थे। हाँ, उसके बाद? उसके बाद अगली सुबह डीवीडी लौटाने में लाइब्रेरी गई थी लेकिन वो बंद थी। फिर मैं सोसाइटी लौटी और हम सब फिल्म देखने गए थे। वहीं पर मुझे वो टैक्सी वाला मिला। एक मिनट, हम फिल्म देखने संडे नहीं मंडे में गई थी। मंडे? शायद मंडे गए थे। इसका मतलब तुम डिस्को रितु के साथ संडे नाइट गई थी? नो सर, डिस्को हम सैटरडे नाइट गए थे। और फिल्म? मंडे को। तो फिर संडे को तुमने क्या किया? संडे कुछ याद नहीं आ रहा। संडे तो इसका मतलब तुम्हारी लाइफ से एक दिन मिसिंग है, संडे। तो आगे तेरे गले पे निशान कैसे? नर्सों गया, नर्सों गया, बजा के थक गया। कोई रिस्पॉन्स ही नहीं। चार दिन के 400। अनवर साहब जी, इस बोर्ड पे लगाने के लिए एक और तस्वीर चाहिए। किसकी? इस भैंड के टके मिसिंग संडे की। हैं? साहब जी, इसमें मैडम के अलावा कुछ और भी आवाजें हैं। इस केस की पहली कड़ी है, टेप हो सकती है साहब। कड़ी नहीं, तहकीकात शुरू करने की वजह। लैब भेज दो। साहब जी। राजवीर, आई एम हेल्पलेस। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। हाउ कुड आई फॉरगेट? पिछले कुछ दिनों में ऐसा कोई मिला है जिसका बिहेवियर अजीब हो? मेरे अलावा? नहीं, मेरा मतलब है जो तुम्हें जानने का दावा करता हो और तुम उसे पहचानती नहीं। हाँ, वो टैक्सी वाला और उसका वो दोस्त। टैक्सी ड्राइवर। डॉन 3। क्यों, शाहरुख खान रिटायर हो रहा है? नहीं, वो मेरे पापा बनेंगे, मैं उसमें इनका बच्चा बनूंगा, डॉन। कल्लू भाई, मेरा दिल चाहता है इस बार मेरी कास्टिंग हो जाए ना, मेरे जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा यार।
तेरी कास्टिंग का लक्ष्य मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यार तुम गाड़ी चलाओ, तुम जबान मत चलाओ। मत रुकना, मत रुकना, मत रुक, ऑटोग्राफ आएगा। ओ जी बाबू जी, कहाँ जाना है? मुझे लगा टैक्सी खाली है। ओ खाली है, खाली है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आ जाओ जी, सीट खाली है बाजू में। बारह खंबा। हाँ हाँ, सब जगह जाएंगे। बल्लू। हाँ क्या बे? हेलो। अरे तेरी, ये मुझे छोटी लाइन का आदमी लग रहा है यार, इसे उतार दे घोड़े गुड़। क्या बात कर रहे हैं? क्या है? नहीं नहीं, ऐसे ही आपस में बात कर रहे हैं हम तो। गुड गुड बोल रहे हैं, गुड गुड बोलना तो अच्छा होता है। गुड गुड के मर रहा है ये। वो टाइम क्या हुआ? गड टाइम, घड़ी खराब है जी मेरी। तेरा टाइम भी खराब है। कमाल है, आपको कैसे मालूम जी? बताता हूँ। ओ भाऊजी, भाड़ा, वो भाड़ा तो दिया ही नहीं आपने। अंदर आके ले ले। ले ले? ले ले? वो ले ले कह रहा है? ये बहुत हार्मफुल लग रहा है मेरे को बल्लू, तू मत लेना, मत लेना तू। हाँ छोड़ छोड़, जाने दू, हम वापस चलते हैं। नहीं यार कुमार, भाड़ा है यार, पैसे की जरूरत है, लेना तो पड़ेगा। बल्लू मतलब चांस लेना पड़ेगा। तू अंदर अकेले आ रहा है? देख अगर मैं चिल्लाऊं तो मुझे बचाने के लिए आ जाना। अच्छा तू सीटी मारना। भाई साहब, भाई साहब भाड़ा लेना है, कहाँ चले गए आप? क्या है तेरा चश्मा लगा के भीख मांग रहा? अट्टा कट्टा आदमी, आगे जा, टेंशन में हूं मैं, आगे जा। रुक, ये क्या कर रहा? अरे नहीं देखना मेरे को, कोई है कि नहीं घर पे? कौन है पे? अबे तू? अबे मैं हूँ। अरे मैं तो खाली भाई साहब बोल रहा हूँ, चिल्लाया थोड़ी। अरे मैं कुछ तोड़ी आया यार, गन पॉइंट पे लेके आया, ये देख पूरा का पूरा कहेंगे इनका। आपने दरवाजा क्यों बंद किया? देखिए आगे मत आइए, मैं बता रहा हूँ, मैं चिल्ला दूंगी, चिल्ला दूंगा, चिल्ला दूंगी, चिल्ला दूंगा। अरे भाई साहब, बलात्कार, बलात्कार मर्डर से बड़ा पाप है, बड़ा अपराध है भाई साहब। हमने हमने आपको इतने प्यार से आपके घर तक छोड़ा और आप हमको कहीं का नहीं छोड़ना चाहते? भाई साहब मेरा मेरा सुपरमैन का ऑडिशन अगला, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। भाई साहब आप जरा दूर से बात करो। देखिए ऑल सडन डन, आदमी को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए यार। हम दायरे में पुलिस, बल्लू। अबे पुलिस, पुलिस क्या? आदमी मेरी इज्जत तोड़ रहा है, हमें कहां से लाऊं पुलिस? सर छोड़ देंगे पुलिस। अबे पुलिस, अबे पुलिस, ए, देखा इसको कहते हैं मर्द। ये तो खड़ा है यार, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। सॉरी सर। काहे का बना है ये? भाई ठोक ले रहा दौड़ को। एक मिनट, ऑफिसर को संभालो, ऑफिसर को संभालो। अबे चलिए तो पुलिस है। अबे कुछ बोलना। आप इतना चलिए मत ना, थक जाएंगे आप। पहले ही बता देते आप पुलिस वाले तो ये नौबत ही नहीं आती है ना। हम पुलिस वालों की बहुत इज्जत करते कसम से। मेरा तो फेवरेट गेम भी चोर पुलिस है, मेरा फेवरेट गाना भी पुलिस के ऊपर है। वो घोड़ा गया चौक पे था नाई, नाई ने घोड़े की हजामत बनाई, टकबक 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 टकबक। अबे बल्लू लेकिन इसमें पुलिस किधर है? अरे नाई के भेस में पुलिस थी यार। मुझे चूचा चूचा पसंद नहीं। करेक्ट। क्या नहीं पसंद? चूचा चूचा। शहर को जानते हो? अच्छी तरह जानते हैं जी, गली गली को जानते हैं हम। कनॉट प्लेस जाइए आप, बारह खंबा जाइए, सारी जगह जानते हैं। खाने मैं लड़की की बात कर रहा हूँ, वो जिससे तुम 420 रुपए मांगते रहते हो। अरे भूत है, भूत। बाबूजी मेरे 420 रुपए भाड़ा है, देना है उसको, देती नहीं वो। अब बताओ यार इनको। अरे उस रात को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस रात को तो मेरा नाटक था चमगादड़ और चुड़ैल की छत। ओ भाई बल्लू, मेरा नाटक कैसा लगा यार? कमाल, रिटायर तेरा प्ले, कमाल का प्ले यार, मजा आ गया। क्या बात कर रहा है यार? वो तू देखा नहीं पब्लिक पेट पकड़ के हंस रही थी यार, मुझे तो बहुत टाइम के बाद मैं इतना हंसा हूं। अबे यार ये तो सीरियस हॉरर प्ले था यार। सही में? हाँ। ओ यार ये बात तो तू जानता, पब्लिक थोड़ी जानती है। हाँ?
बल्लू किसी को बताना मत यार। ओ नहीं यार पागल है तू, दोस्त है तू मेरा। कस्टमर रोकना मत यार। अबे भाग भाग के चढ़ी लोकल ट्रेन है क्या, रोकना तो पड़ेगा। ओ जी मैडम जी कहाँ जाना है जी आपको? जहाँ आपको जाना है। मैडम जी सीधे सीधे बोलो ना कहाँ जाना है। सीधे सीधे ठीक है जी, बैठ जाओ जी, सीधे ही जाते हैं। ओ जी मैडम जी, मैडम जी इतनी रात को बाहर नहीं घूमते, दिल्ली शहर है, कहाँ छोड़ू जी आपको मैं। मैडम जी आप सीधे से बता दीजिए आपको कहाँ जाना है। सीधे सीधे। अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि सीधे सीधे कहाँ जाना है आपको। स्ट्रेट राइट लेफ्ट। ओ यार ड्रैकुला काट ले इसे। आओ। देखिए मैडम पिछले आधे घंटे से आप मुझे परेड करा रही हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। ओ जी 420 किराया भी हो गया मेरा, अरे आप कहाँ जा रही हैं? ओ मैडम, अरे भाई, अरे किराया तो दे दो यार। लल्लू 420 भूल जा, ये लड़की 440 का करंट देने वाली है, वो देख। ऐसे कैसे चलो, वो पहले भाड़ा तो दो मेरा। पहले मुझे छोड़ दो। अरे फिर छोड़ दे, कहां तक छोड़े, ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। सीधे सीधे बोलो कहां जाना है आपको, और ये मत बोलना कि दिल्ली के बाहर जाना है। कहां जाना है आपको? दिल्ली के बाहर छोड़ दो। ओ यार ये क्या मुसीबत है। बल्लू इसका बहुत हो गया, अभी अपनी बारी, गाड़ी रोक। रो जोरी, तुझे पता है हम लोग कौन है? इस इलाके में पिछले दिनों एक लड़की का कत्ल हो गया था, सुहासिनी प्रधान
उस लड़की के खून हमने किया था, मानो या ना मानो। उसका टेटू हम तब तक दबाते रहे जब तक वो तड़प तड़प के अब पता चला हम लोग कौन है। मैं कब से तुम दोनों को ढूंढ रही थी। क्यों? क्योंकि मैं ही वो लड़की हूं। कौन? सुहासिनी प्रधान, मानो या ना मानो। तू डर रहा है क्या यार बल्लू? मैं डर कर रहा हूँ यार, रात के वक्त मेरी शक्ल ऐसी होती है। मैंने पहले कभी नोटिस नहीं किया यार। चल चलते हैं। देखिए आप हमारे साथ मजाक क्यों कर रही हैं? मजाक तो सिर्फ इंसान करते हैं। देखिए आपको जहां जाना हम आपको छोड़ देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, कहां जाना चाहेंगे आप? मेरा फेवरेट वीकेंड स्पॉट कब्रिस्तान। कब्रिस्तान? कुछ ही दिनों पहले की बात है। क्या हुआ था? एक लड़की का पोस्टमार्टम हो रहा था। उसे मेरी आत्मा चली गई। बेचारा डॉक्टर, मैंने उसके पेट में कैंची घुसा दी और अस्पताल में बाया। कब तक उसकी आंखें बाहर निकली। आउच! ये दो बार आवाज क्यों निकाल रही है आप? अबे जिंदे, आंखें दो होती है ना? होती है, पॉइंट है। ये डॉक्टर गुण से लथपथ हो गया और मैंने उसे वॉशिंग मशीन में डाल के स्विच किया। मम्मी 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 घबरा नहीं मिलू, मौत देखने एक दिन सबको आनी है, इस पर डरने की कोई बात नहीं। मेरी फटी पड़ी है और तुम मुझे प्रवचन दे रहा है? अबे मुझे तो देख, मेरा घर बार बीवी बच्चे कोई नहीं है, मुझे परिवार अभी शुरू करना है यार। मुझे इस वॉशिंग मशीन भूत से बचा मैं कुआरा नहीं बनना चाहता है बोलू। हाँ यार, मुझे भी लाइफ बनानी है। कुछ कर, क्रॉस। ये कर रहे हैं? मैंने इंग्लिश पिक्चर में देखा था, एक पादरी बाबा है ना, क्रॉस बना के उन्होंने भूत को भगा दिया था। अबे वो पादरी बाबा थे, तू ड्राइवर है। मैं क्रॉस तो हुई है। क्रॉस देखे भाग गई यार। भूत सामने आ। सामने क्यों बुला रहे हैं? डरता हूँ क्या तेरे से? क्रॉस है मेरे पास, बाद में देख ले यार। छोड़ दे कुमार, दो चमाट मारूंगा उसको। अंदर आ जा। अरे भूत है तो क्या हुआ, डरता हूँ क्या? अरे बाद में देख ले यार, चिल्ला मत बोलू। बस यही थी उस रात की कहानी। उसके बाद दो तीन बार मिली हमको यहाँ वहाँ, तो पता चला कोई भूत नहीं है, वो बुद्धू बना रही थी हमको। इसका मतलब सब कुछ हुआ और कुछ भी नहीं हुआ। बाबूजी मैं तो कहता हूँ कि आप हमको छोड़ दो, वो लड़की को पकड़ लो। हाँ बहुत टेढ़ी है वो लड़की, 15-20 घंटे उसके पीछे पड़े हुए थे, फिर हमने मार खा के उसको किसी तरह से बचाया उसको। मैं कैसे मान लूं कि तुम लोग सच बोल रहे हो? बाबूजी इस तरह की कहानी को खुद कैसे सोच सकता है, सच ही कह रहे हैं। रोज सुबह 8:30 बजे दरियागंज पुलिस थाने। थाने? बाबूजी 8:30 बजे तो धंधे का टाइम है, दरियागंज बहुत दूर पड़ता है, बहुत लंबा है, क्या कर रहे हैं? एक काम करते हैं साहब जी, इन दोनों को दरियागंज थाने में डाल देते हैं। 8:30 बजे पहुंच जाएंगे जी, कोई टेंशन नहीं है। गुड है जी। दरियागंज राइट, पहुंच जाएंगे जी। जाएगा नहीं तो आएगा कैसे? ना जी करेक्ट है। So this is called the Red Fort. Yes, yes, Red Fort. This was built by Jahangir Shahjahan Akbar. Kisne banaya tha? Workers and laborers. Very good. So why is it called the Red Fort? Lal color ki dikh nahi rahega isko. You know, in India we love red color. Everything red color. Wedding red color, sari, you know, and red color light. Red King made it. You know, very good king. Red King. Yeah, tall, dark, handsome, Lal Basha. Whatever. Tell me, so what's so special about this place? Special?
I tell you. Come here. You come this side. You come here. You please don't do anything. Thank you very much. Come here. Thank you. Don't move. Don't breathe. Thank you. Okay. Now shake hand. Same to same. बिल्कुल ऐसे 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 उन लोगों ने हाथ मिलाया था जब पहली बार उन लोग यहाँ पे मिले थे. कौन? राजीव गांधी, सोनिया गांधी. लेकिन राजीव गांधी और सोनिया गांधी इंडिया से बाहर ही मिले थे. तेरे को मालूम है? तेरे को मालूम है? Who's the guide? You are the guide. I am the guide. Okay. Who's right? Okay. No. तुम बहुत गड़बड़ गए थे. पहले भी बोला कि तब मैंने शाहजहां बनाया है. अरे 100% बनाया था यार. अभी स्क्वायर फुट का प्राइस बढ़ गया तो सामने वाले को भेजना पड़ेगा ना. एक तो अंदर की इन्फॉर्मेशन दो, ऊपर से खिच खिच. अच्छा आज हम इधर ही घूमेगा. देन वी गो. लेकिन कल किधर घूमेगा? दरियागंज पुलिस स्टेशन. पुलिस स्टेशन? व्हाई? अनारकली को जानता है? या उसकी माँ को जानता है? नो. अनारकली की माँ ने ना अकबर के खिलाफ सबसे पहला FIR उधर ही दर्ज किया था. Wow, honey, did you hear that? I heard that. Don't call me honey, huh? Money. Whoa, kal. Kal. Let's go, honey. अरे क्या कल? कल. आज खाएगा, कल पैसे देगा. भगत सिंह ने सही किया था. चप्पल मार मार के भगाया था इन लोगों को. धंधा भी इन लोग से ही चलता है. वाह मैडम, अब अपने साथ पुलिस भी लाने लगी. बल्लू, राजवीर को तुमने जो बताया क्या वो सच है? 100% सच है वो. I'm sorry, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई. कोई तकलीफ नहीं हुई. 420 रुपये चले गए, पुलिस की मार पड़ी. रोज सुबह में थाने जाके हाजिरी देनी पड़ती है. दो दो तीन तीन घंटे वहाँ जाके बैठना पड़ता है. आमदनी बंद हो गई है. खाने पीने की प्रॉब्लम है. ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. कोई तकलीफ नहीं है. I'm sorry, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. तो क्या मेरी गलती है? मैं क्या शक्ल से चोर लगता हूँ आपको? ऐसी बात नहीं है, but I keep forgetting things. मेरा भाड़ा देना भूल गई आप? Keep forgetting. ये फाइल देख रही हैं आप? मुझे किडनी का प्रॉब्लम है. 5 साल पहले मैं गांव से आया था यहाँ पे. मेरे घर वाले समझते कि मैं यहाँ बिल्कुल मजे में जी रहा हूँ. यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. उनको इसके बारे में पता तक नहीं है. पाई पाई जोड़नी पड़ रही है मुझे, मालूम है. 4 लाख रुपए जमा करने, मुझे 4 लाख. हर 15 दिन बाद मुझे डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है और मैं वो मिस नहीं कर सकता. सहर मैडम, मेरी जिंदगी सस्ती हो गई है और मेरा जीना महंगा हो गया है. पल्लू, मुझे उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे. ये लो तुम्हारे पैसे. थैंक यू. ओए हीरो, बाहर बंदे साहब. और तेरा मुंह तो खुला है बावले, देखा इसे? ये धंधा मैं नहीं करता साहब. ओए चुप कर, ये हमारे ACP साहब हैं. ये हमारी भाभी है. भाभी? अब मेरी भाभी है मेरी, देखा इसे? हाँ साहब, देखा है. सैटरडे रात को आई थी. एकदम जबरदस्त और बढ़िया नाचती है साहब. जा भाई. आइंदा कभी किसी लड़की को इतना गौर से देखा तो तुझे बार टेंडर से बार डांसर बना दूंगा. जितना पूछता हूं उतना बता, किसके साथ आई थी? उसके साथ रितु मैडम थी. और हाँ, हीरेन और धवल साहब भी थे सर. कौन हीरेन धवल? हीरेन धवल उन्हीं दो लड़कों के साथ वो बाहर गई थी सर. कहाँ मिलेंगे छोरे? यही अपने डिस्कोटेक में सर. 11:30 के दरमियान डेली आते हैं. तू डांस कर रहा है, तेरी टांग में गोली लगी है. उस साहब जी, कोशिश कर रहा हूं जी. साहब, अबे धवल. क्या
डिस्को में ऐसे टाइप के कुछ लोग ज्यादा ही नहीं आने लग गए आजकल। आई रे, क्या फैशन है, घर में बेवॉच और डिस्को में गे वॉच। साहब जी, ये भी हमको गुरु समझ रहे हैं साहब जी। यार हम लोग तो ट्रेडमार्क ही बनते जा रहे हैं इसकी। अबे छोड़ो, हम ऐसे आदमी नहीं है। अबे देखो ऐसे हाथ मत लगाओ यार, वैसे कर क्या रहे हो? बस यही अपराध मैं हर बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। चल आदमी से प्यार नहीं करता, वैसे छोड़ दो। माफ करो, माफ कर दो सर जी, माफ कर दो सर जी, हम सब कुछ बता देंगे आपको, हमारे बारे में सब कुछ बता देंगे आपको। चुप। तुझे कभी कुछ कुछ ऐसा होता है? कभी ट्राई नहीं किया साहब जी? क्यों, के पता मन ने अच्छा लग गया तो? सर सर मैं सब कुछ बताता हूँ क्लियरली, आई विल टेल यू एवरीथिंग सर, वी बिलोंग टू नाइस फैमिली सर। सर उस रात को लड़की, उस लड़की ने हमारी बैंड बजा दी सर। हाय सेक्सी, तेरी फैमिली। मैंने बारटेंडर को 500 रुपए देकर उसके ड्रिंक में रेफ्टोल ट्रक मिला दिया। एक्सक्यूज मी, ओके मैम, आपका पर्स। थैंक यू मैम, एंजॉय द पार्टी। थैंक यू। नशा असर करने लगा था सर, उसे चक्कर आने लगे, हम लोग मौके का फायदा उठाकर उसे अपने साथ ले गए। लेकिन जैसे ही बाहर लॉबी में पहुंचे, इसका चाचा आ गया सर। इसका चाचा बहुत ही ठरकी है सर, हमें डर था कि वो कहीं अपनी दो को छोड़कर हमारी से एक के पीछे ना पड़ जाए, इसलिए हम उसे वहीं बिठाकर खुद भाग गए सर। और जब लौटे तो देखा वहां पर कोई भी नहीं था, वो लड़की गायब हो चुकी थी सर जी। और इस दिन के बाद से हमने उसे आज तक नहीं देखा सर, और हमने उस बारटेंडर को कुछ पैसे देकर उसकी फ्रेंड को यह कहलवा दिया कि वो घर चली गई। ओ जी मैडम जी, कहाँ जाना है जी आपको? सीधे सीधे। ठीक है जी, बैठ जाओ जी, सीधे ही जाते। अनवर, रितु शहर को डिस्को लेके आई और हिरेन और धवल उसे बाहर ले गए, और वो बल्लू की टैक्सी में यहां से चली गई। यहां तक की कहानी तो समझ में आती है, आगे पता लगाना पड़ेगा साहब जी। जब तुमने मुझे हिरेन और धवल के बारे में फोन पे बताया, मुझे लगा मैं दोनों की जान ले लूं। तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। अब यहां तक पहुंच गए हैं तो आगे भी पता चल ही जाएगा। वो तुम क्या करती हो, क्या कहते हैं कार्टून कैरेक्टर्स की डबिंग? हाँ डबिंग, कुछ सुनाओ ना। स्क्रिप्ट होता है मेरे पास, लाइंस नहीं। अरे लाइंस मैं देता हूँ ना, जो बोलता हूँ वो बोलो। क्या बोलूँ? क्या बोलूँ? मेरा मतलब है। मेरा मतलब है। अरे यार सोचने, अरे तो यार, दो। सोचने तो दो। स्टॉप इट। स्टॉप इट। देखो मुझे चूचा चूचा नहीं पसंद। देखो मुझे चूचा चूचा नहीं पसंद। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। आई लव यू। आई लव यू। आई लव यू टू। अरे क्या देख रही हो यार? किसी को छू जाने दो।
भाभी जी आई है, कोई काम था? इस टेप में बड़ी खास चीज मिली है साहब जी। आप ही हो के? अरे यार तेरा माल कब पहुंचेगा? स्टॉक खत्म हो रहा है यार। ये पीओके कौन है, नाम सुना है? अरे पीओके वही है ना, वो ड्रग डीलर। मैडम ये गुडेस्ट क्वालिटी माल है आपका, है ना, माइंड ब्लो हो जाएगा। ट्रैफिक माल है, ट्रैफिक। सुनो, वन टाइम ग्रेटफुल माल है। Well, it looks okay, but the police is quite strict these days. Police? Ha! SCP here, DCP here. Police is in my jeb, madam. Chutta samajh rakha hai ke? Kitna pyar hai ittefaq ke piyo ke? Teri jeb aur meri bandook dono bhari hui hai. Who is he? Hi, I'm ACP Rajveer Randhawa. ACP? Assistant computer programmer. We bechoying mall inside internet worldwide international. I speak a 1 minute. Okay. क्या साहब, आपने पिछली बार मेरे दो नंबर के माल को एक नंबर भेज दिया, अब इस फिरंगी माल को तो मेरा माल बेचने दो, गेट पास देता हूँ ना। गेट पास नहीं, एक इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन? देख पियो के, उसकी नजर में हम दोनों गुनहगार हैं। एक अच्छा काम करते हैं, शायद दोनों के गुनाह कम हो जाए। आप ही ओके? अरे यार तेरा माल कब पहुंचेगा? स्टॉक खत्म हो रहा है यार। ये किसकी आवाज है? नहीं, आज रात तो तेरे माल से भी कहीं ज्यादा हॉट माल है मेरे पास। आप ही ओके? अरे यार तेरा माल कब पहुंचेगा? स्टॉक खत्म हो रहा है यार। नहीं, आज रात तो तेरे माल से। ये तो अपना वत्सल है। वत्सल और तेरा कनेक्शन? वही डिमांड और सप्लाई का। मैं ड्रग्स बेचता हूँ, वो खरीदता है। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट दिलीप सेठ का बेटा। एसीपी साहब, मैं कार्डियोलॉजिस्ट दिलीप सेठ, ये वत्सल मेरा बेटा। क्लिनिक से ज्यादा आजकल मैं पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहा हूँ। आप पुलिस वाले कब तक परेशान करते रहेंगे हमें? तन्ने गलत फहमी हो रखी है, साहब ने इसको पहली बार बुलाया है। जानता है इस चोरी को? हमारी भाभी है। मेरी नहीं? अरे तेरे से ना पूछ रहा पगले, तेरे छोरे से पूछ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जानता इसे। सीधे सीधे बोल दे, नहीं तो साहब जी तेरी इतनी ठुकाई करेंगे कि तेरे बाप को तेरी ओपन हार्ट सर्जरी इधरी करनी पड़ेगी। बोल। संडे। जी, जानता हूं मैं इस लड़की को।
हजार दफा बोला तुझे इन लड़कियों के चक्कर में मत पड़। पिछली बार का याद है तुझे? उसका बॉयफ्रेंड तुझे अभी भी ढूंढ रहा है। और छड़ना यार, जो होगा देखा जाएगा। भूत सामने आ, डरता हूँ तेरे से। कौन से मेरे पास? बैठ जा, छोड़ एक मार दो, चमाट मारूंगा उसको। अबे रुक रुक, अब क्या हुआ? अबे वो देखना। Excuse me. Hello. Want a lift? Lift? कहाँ जाना है तुम्हें? जहाँ तुम्हें जाना है। What's your name? My name? Seher. S for Seher. ओए, दल्ली लगती है यार। एक काम कर, गाड़ी की सुनसान सी जगह पे लगा दे। पागल हो गया है क्या? पिछली दफा का भूल गया? पुलिस के कितने पंगे पड़े थे? तो गाड़ी चलाते चलाते प्रोग्राम बनाएगा क्या? Yes! प्रोग्राम बनाते हैं। गुड आइडिया। कैन आई कम बिहाइंड? या शी इज हॉट मैन। आई एम हॉट, यू आर हॉट, इट्स रियली हॉट। बहुत गर्मी है ना। हेलो, आप ही ओके? अरे यार, तेरा माल कब पहुंचेगा? स्टॉक खत्म हो रहा है यार। उतारो, मैं अपना जैकेट उतारती हूँ। ओके, आज रात तो तेरे माल से भी कहीं ज्यादा हॉट माल है मेरे पास। ए, तू गाड़ी चला और मैं पीछे आता हूँ। अरे तू चला ना यार, मैं शुरू करता हूँ। तू गाड़ी चला ना यार। She doesn't want you यार। Right, I don't want you यार। Driver। ए, क्या समझती है अपने आप को? Get out। अबे क्या कर रहा है यार तू? ए, तू उसकी तरफदारी मत कर। बैठ गाड़ी में, चल। तू भी नहीं यार। अबे कितना शॉर्ट टेम्पर्ड है तू? ऐसा चांस रोज़ रोज़ मिलता है क्या? तो तुझे समझना चाहिए ना। अच्छा ठीक है यार, समझ गया मेरे बाप। पहले तू, अब चलना यार, गाड़ी घुमाना यार, प्लीज चल। हाँ कहीं नजर नहीं आ रही है लड़की। अरे कहाँ गई है? तू एक काम कर, तू उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखूँ, ठीक है? ओके। बस उसके बाद मैंने उस लड़की को कभी नहीं देखा। और तेरा दोस्त, वो कहाँ गया? अगली सुबह उसकी लाश मिली। हाय एसीपी साहब, पिछले एक हफ्ते से पुलिस पड़ी है इसके पीछे पूछताछ के लिए। किसने किया, कब हुआ? मेरा बेटा फंस गया है एसीपी साहब, प्लीज प्लीज हेल्प अस आउट। कहाँ हुआ यह हादसा? साउथ एवेन्यू। जिस रात जिन दो लड़कों ने तुम्हें लिफ्ट दी थी, उनमें से एक का उसी रात मर्डर हो गया। What? पुलिस को लगता है कि मर्डर किसी लड़की ने किया है। पुलिस को लगता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। पुलिस को क्यों लगता है कि मर्डर लड़की ने किया है? क्योंकि डेड बॉडी के पास एक ब्रेसलेट मिला है, इसलिए। लेकिन पुलिस को लगता है मुझे, और वैसे भी तुम तो ब्रेसलेट पहनती नहीं, पहनती हो? ये तुम्हारा नहीं हो सकता। जो ड्रेस तुझे दी थी ना, उस पे ब्रेसलेट माइन गर्ल। ये मेरा ही है, ये
खून में मैं कैसे, अगर खून मैंने किया तो सजा मुझे होगी ना राजवीर? डोंट वरी सर, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I'm scared, राजवीर। डोंट वरी, ऐसा पुलिस को लगता है। खुदाई रहे तेरे दिल में मेरा नाम रहे, अल्लाह करे। अल्लाह करे तू चुप हो जाए यार, वरना गाड़ी ठुक जाए। क्या कर रहा है तू? अब चुप नहीं रहूंगा बल्लू, बहुत दिनों बाद मुझे फॉर्मूला मिला है, मुझे मेरा आदर्श मिला है। अब खुद गाना गाऊंगा, खुद कंपोज करूंगा, खुद एक्टिंग करूंगा, खुद स्क्रीन पे आऊंगा। खुद ही देखना पिक्चर, और तो कोई आएगा नहीं। Let's rock, जय माता दी। Let's rock, rock तो पड़ेंगे तेरे को साले, पब्लिक से भी और मेरे से भी। भगवान का स्क्रीन प्ले भी अजीब है बल्लू, जो एक्टिंग करता है उसको एक्टिंग का चांस नहीं मिलता, जो बॉडी बनाता है उसको एक्टिंग का चांस मिल जाता है, जो गाना गाता है उसको एक्टिंग का चांस मिल जाता है। मेरी बॉडी तो नहीं बन सकती अभी, लेकिन मैं गाना गाऊंगा, स्क्रीन पे आऊंगा और हीरो बन जाऊंगा। देखना भी तन्हाई, चुप कर यार, बाहर निकल। ओके बाहर निकल, पहुंच गए पागल खाने, पहुंचा दो तेरे को, बाहर निकल। तेरा भाड़ा, तेरे पेपर और ये गाड़ी सब रख ले, तेरी दोस्ती भी नीचे है मेरे को। तेरी गाड़ी बेच के तो मैं भोजपुरी पॉप स्टार भी नहीं बन पाऊंगा बल्लू। क्या है झगड़ा है तेरे बारे में कर रहे? नहीं हट, पहले तू ये डिसाइड कर तेरे को एक्टर बनना है सिंगर। मेरे को सिंगिंग करता हुआ एक्टर बनना है। ये क्या बात हुई है? सिंगर सिंगर होता है, एक्टर एक्टर होता है। मैं सिंगिंग भी करूंगा, एक्टिंग भी करूंगा। देखो एक्टर बनने के लिए एक्टर होना चाहिए, सिंगर बनने के लिए सिंगर, और तू है मी? जो स्क्रीन पे आ गया वो एक्टर। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, स्क्रीन पे तो बंदर भी आते हैं। सुनो हम दोनों की बात चल रही है। इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। अबे वही है ये, तो इसकी जबान थोड़ी पलटी खा दी। अच्छा मुंह बंद है इसका, बुरा मत मानिएगा। भैया ये लोग तो भाग गए। गाड़ी निकालो, चलो गाड़ी पकड़। अरे गाड़ी निकालो, लेफ्ट लेफ्ट। तू अबे तू चांदनी चौक चलेगी? अबे मैं तो चलेगी, तेरे को भी चलेगा। इस अंदर बैठ, अंदर बैठ। वो माय गॉड, वो माय गॉड, वो माय गॉड, यू मिस बाय, यू मिस बाय। आ गए, आ गए, आ गए, जल्दी जल्दी जल्दी, अभी पकड़ो। ये तो ऐसी क्यों चलाती है लेफ्ट राइट? अबे लेफ्ट राइट के बच्चे पीछे देख, पीछे। ये रेसी चलती है? रेस नहीं चल रही है, वो हमको मारने के लिए आ रहे हैं। मारने? Oh my God, हमारी रेस प्लेट बनाने आ रही है, जल्दी चाहे। राजवीर जी देखिए, हमारे पीछे गुंडे लगे, आप हमारी जान बचाइए। Yeah!
नाम नहीं जानते तू। ये भैया ये हंस क्यों रहा है? सपने से पागल हो गया लगता है। अबे पागल मैं नहीं, तू हो गया है। इधर म्यूजिक डायरेक्टर, पीछे इंस्पेक्टर, देख। नाम? असीम बजाज। बाप का? माँ का नहीं होए, बाप का। वही तो, मास्टर बजाज स्कूल में टीचर है। कहाँ से? दार्जिलिंग। दरवाजा दरभंगा बिहार। तो ऐसे बोलना भूतनी के। अब फटाफट अपनी जबान एडजस्ट कर और धड़ाधड़ बोल। लड़की को क्यों मारना चाहता है? एक लड़के ने 5 लाख पूछाए थे लड़की की तस्वीर के साथ। फोन पे बोला उड़ा दो उसको। कौन था वो लड़का? कभी नहीं देखा नहीं साहब, पीसीओ से फोन करते रहता है, शायद उसी का फोन है। जैसा मैं बोलता हूं वैसा बोल। आज रात लड़की कारवाई डिस्को में आने वाली है, उधर से हम उसको उठाने वाले हैं। आप भी वहां पहुंच जाओ। रेफनॉल डेट रेप ड्रग के नाम से मशहूर है। इसको लेने के बाद 10-15 घंटे तक कुछ याद नहीं रहता। इसी ड्रग की वजह से कितनी सारी लड़कियों का रेप हो चुका है। इसलिए तो हमारी गवर्नमेंट और पुलिस हमेशा वार्न करती रहती है कि नेवर टेक अ ड्रिंक फ्रॉम अ स्ट्रेंजर। हिरेन और धवल ने तुम्हें यही ड्रग दिया था और इसी ड्रग के नशे में मुझसे मर्डर हो गया। मर्डर तो हुआ है पर तुमने नहीं, किसी और ने किया है। और शायद यू आर द विटनेस, इसलिए तो तुम पर हमले हो रहे हैं। लेकिन राजवीर मुझे कुछ याद नहीं। ये तुम जानती हो, वो नहीं। और आज वो कैरेवान डिस्को में आएगा तुम्हें मारने। डरने की कोई बात नहीं, विल कैच हिम। डरने की कोई बात नहीं, गो। भाभी जी को उधर ले जाने में खतरा है साहब जी। पता है अनवर, लेकिन कोई और चारा भी तो नहीं। अब देखना ही है कि वह आता कौन है।
कितने चेहरे हैं, राज गहरे हैं, रात काली है, शख सुनहरे हैं, चलते साहे हैं, कदम ठहरे कितने चेहरे हैं, राज गहरे हैं, रात काली है, शख्स नहरे हैं, चलते साहे हैं, कदम राजवीर, राजवीर।
एसीपी राजवीर, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मिनिस्टर की निशानी और काम गैर कानूनी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। साउथ एवेन्यू में जो मर्डर हुआ था वो आपके बेटे ने किया था। व्हाट नॉनसेंस! अरे मैं क्यों किसी का खून करूंगा? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। ठीक है, तू नहीं बोलेगा तो ये लड़की बोलेगी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये डैड, डैड व्हाट्स हैपनिंग? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ नहीं पता डैड। ये कौन है? ये लड़की को मैं नहीं जानता डैड। सर, इस लड़की ने आपके बेटे को खून करते हुए देखा है। क्या तुमने वाकई इसे खून करते देखा है? इसी ने संजय का खून किया है। क्या बोलता है? अगर मीडिया के सामने कन्फेस कर लेगा तो तेरी सजा शायद कम हो जाए, नहीं तो और भी तरीके हैं हमारे पास उगलवाने के। मैंने खून किया है, मेरे खून गया संजय का और सोहसनी प्रधान का भी। सोहसनी मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार करती थी। उसका अफेयर था संजय के साथ। और उस रात मुझे वो संजय भी दिखाई दिया था। वो इस लड़की के साथ बैठा था। तू एक काम कर, उस तरफ देख, मैं इस तरफ देखता हूँ, ठीक है? हाय हाय हाय, सुधरेगा नहीं तो मैं क्या करूं? दिल्ली की लड़कियां मेरा पीछा छोड़ती नहीं। एक तेरी वाली थी और एक ये है। ओए, तूने और सुहासिनी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुझसे तो कुछ हुआ नहीं, इसलिए मैंने किया। चल हट। मैंने कोई गवाह, कोई सबूत नहीं छोड़ा मैंने, सिवाय इसके साथ मेरी कोई जाती दुश्मनी नहीं थी, लेकिन इसे मारना जरूरी हो गया था। यस यस, अब आई कल संजय, आई कल
आई किल सॉसरी। एसीपी राजवीर अरेस्ट हिम। सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को। आप भी कमाल करती हैं मैडम, आपने गाड़ी में ऐसी ऐसी आवाजें निकाली कि उसको सुनके तो सर रामगोपाल वर्मा जी भी डर जाएंगे। अरे यार इतने उदास क्यों लग रहे हो, हैं? क्या हुआ? क्या बताएं साहब, कनॉट प्लेस से चनाक्यापुरी तक गाड़ी चला के लाए, पेट्रोल तो चली गया, दिल भी जल रहा है, पता नहीं क्या क्या जल रहा है यहाँ पे, पैसे तो मिलने नहीं है, खैर चलेगा। डोंट वरी, पुलिस ने तुम दोनों के काम से खुश होकर 5-5 लाख रुपए इनाम दिया है। सर क्या बात करें साहब जी, कमाल है यार। जस्ट जोकिंग, जस्ट जोकिंग। राज मर्डर हुआ, किसने किया कैसे किया वो तो पता चला, लेकिन उस रात मैं घर कैसे पहुंची? भाभी जी आपके सवाल का जवाब ये देंगे, इसलिए तुमसे कहा करता था देर रात तक मत घूमा कर, ख्याल रखना अपना। और उस नशे की ड्रिंक ने तुम्हें अगले सारे दिन और सारी रात सुलाई रखा, इसलिए तो तुम्हारा संडे मिसिंग था। बाप रे बाप, इतने सारे हादसे एक साथ। यू नो राज, मैंने डिसीजन ले लिया है, रोज पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने से अच्छा मैं एक पुलिस वाले से ही शादी कर लेती। अरे एक तो बगल में ही बैठा है। लेकिन अनवर एक प्रॉब्लम है। क्या? वो रिश्वत लेता है। लेता था? हाँ। अब तो मैं बहुत सिंपल, स्वीट, सोबर और सीधा आदमी हो गया हूँ। पुलिस वाला बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ, रिमेम्बर? अब तो बस असी तुसी और ऑनेस्टी। बाजी जो आपने कहा था पूरे डबल हैं। रिश्वत देता है? एक पुलिस वाले को रिश्वत देता है? तो हमेशा लेते हो। पता कितना बड़ा क्राइम है? राजवीर। अरे तेरी टाइमिंग कमाल। अरे इंसान को शराफत से जीने नहीं दे। मुझे चूचा चूचा नहीं पसंद। क्या नहीं पसंद? चूचा चूचा नहीं पसंद। नहीं पसंद? नहीं पसंद। तो चलिए। कैसी भी राजवीर रंधावा ने शहर के साथ शादी कर ली, वो भी संडे को। और हाँ, उसने रिश्वत लेना बंद कर दिया। अपने बल्लू की भी लाइफ सेट हो गई। उसका किडनी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया और एक गाड़ी में 20 पैसेंजर बिठाने वाला बल्लू अब 20 गाड़ियों का मालिक बन गया। और माय कुमार, कुमार मंगत स्टार बन गए, स्टार, सुपर स्टार भोजपुरी फिल्मों का। टेक 84 बा। मुझे साथ सारे सारे जितने छेद ना बदन नहीं होता, वन मोबिल टेक कौन, एक तो नई स्टोरी ऊपर से नया नया स्टोरी। क्या सपोर्ट वालों में क्या बोल रही है? ब्रूस ली जरा गोली लगी है। है
पहले पुलिस वाला हूँ नहीं पहले इंसान ऑनेस्टली क्या हो गया तेरे को Sunday.